सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद जो हालत बॉलीवुड की हुई है वो ना आपसे छुपी हुई है ना मेरे से छुपी हुई है। सारी दुनिया जानती है कि किस तरह से हालत हुई है बॉलीवुड की खराब। अब एक नया पैतरा अपनाया जा रहा है बॉलीवुड की तरफ से, स्पेशली आमिर खान की तरफ से। क्या है ये पैतरा? आमिर खान ने PVR और आइनॉक्स जो थिएटर है, मल्टीप्लेक्सेस थिएटर है, आइनॉक्स तो अभी PVR के साथ मिल चुका है, लेकिन आइनॉक्स और PVR के साथ मिलके आमिर खान ने एक डील की। वो डील क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। वो डील इस तरह की डील होती है कि जैसे मैं अगर कहीं पे हम लोग एक शो कर रहे हैं, समझो एक डांस शो कर रहे हैं। अब डांस शो करते हैं तो हम दो चार मेरे दोस्तों को मैं बुला लेता हूँ, बताता हूँ स्ट्रैटेजी। ऐसा बहुत साल पहले कम करते थे, तो वहाँ हम लोग डांस करते हैं, हमारे मेरे डांसर्स डांस कर रहे हैं, तो मैं अपने दो चार दोस्तों को बुलाता हूँ, स्पेशली वेडिंग शोज़ में। वेडिंग शोज़ में क्या होता है, लोग बख्शिश देते हैं, डांसर्स ने आपने बहुत अच्छा कला प्रदर्शन किया तो ये हमारी तरफ से ऐसे देते हैं। तो मैं अपने चार दोस्तों को बुला लेता हूँ। बहुत ज़्यादा हवा चल रही है आज, बारिश बहुत ज़्यादा होने वाली, तो हो ही रही है थोड़ी बहुत, तो बता दो आपको क्या चलता है। तो वो जो दोस्त आते हैं मेरे, उनको मैं खुद अपनी तरफ से 50,000 दे देता हूँ और वो लोग अपना मस्त वाहवाही में ये करते हैं। तो वो जो देते हैं 50,000 रुपये मैं उनको देता हूँ, उनमें से 45,000 मैं उनको देता हूँ और 5,000 उनकी तरफ से वो डालते हैं कि वाहवाही होती है उनकी लोगों के सामने कि इन्होंने अच्छा 50,000 दिया इन लोगों ने, 4-5 लोगों ने 10,000 मिले। तो उनको देख के बाकी के जो वेडिंग के लोग होते हैं, जो अरे यार ये तो बाहर से आए हुए लोग दे रहे हैं, तो हमारे तो बेटी की शादी है, हमारे तो बेटे की शादी है, तो अभी नहीं करते हम लोग ऐसा, लेकिन वो लोग फिर वो लोग भी देते हैं, वो लोग भी डोनेट करते हैं, वो लोग भी मतलब अच्छा बख्शिश देते हैं डांसरों को। तो उसमें एक पॉलिटिक्स है बेसिकली देखा जाए तो, ये होता है। जबकि मेरा डांस शो अगर थिएटर है, मेरा स्कूल के बच्चों को मैं शो कर रहा हूँ या ये कर रहा हूँ, तब टिकट नहीं बिकते तो मैं बहुत लोगों को फ्री टिकट देता हूँ और उनको बोलता हूँ कि ये 5,000 का टिकट है लेकिन आप 1,000 रुपये ही देना, मेरी जेब से चार्ज आता है। लेकिन वो 5,000 के टिकट 100 लोग भरते हैं तो बाकी के 400 टिकट ऑटोमेटिकली भर जाते हैं। ये होता है दिखाने के लिए। वही आमिर खान क्या कर रहे हैं, PVR और आइनॉक्स के साथ मिलके, क्योंकि PVR आइनॉक्स को कोई लेना देना नहीं है कौन सी फिल्म है क्या है, वो चलाता है, अगर चल गई पिक्चर तो ठीक है वरना अगले दिन उतार के फेंक देता है, तो उनका तो बिजनेस है, कोई मतलब नहीं है। जो ऐसे देखा जाए तो नॉर्मल पिक्चर का 50% PVR आइनॉक्स लेते हैं और 50% उधर जाता है, जिसमें से दोनों तरफ से टैक्स कटता है। अब रही बात आमिर खान ने क्या किया, आमिर खान ने PVR और आइनॉक्स के साथ मिलके उनको ये कहा गया कि आप रोज के 10 करोड़ का टिकट खरीदो, ध्यान से सुनो, उसमें से 1 करोड़ आमिर खान देंगे, 9 करोड़ सेटलमेंट है, टिकट नहीं हुए तो जाने दो, वो टिकट खाली रहेंगे। लेकिन उनको देख के, जो आप बुक माई शो या इधर उधर देखते हो तो टिकट भरे हुए देखते, अच्छा टिकट तो भर रही है, पिक्चर अच्छी तो नहीं है तो आप जाओगे। तो थर्सडे को रिलीज हो रही है रक्षाबंधन की नहीं, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे 4 दिन का हॉलीडे, तो इन्होंने प्लान किया कि 4 दिन में हम कलेक्शन कर लेंगे। सेम चीज़ें अब क्या होती है, लोग जाएंगे कौन से देखने, तो इंडस्ट्री के जो लोग होते हैं, डांसर्स, लाइट मैन, स्टंट मैन, इन लोगों को ये फ्री में टिकट दिए जाते हैं। तो सोचो जो लोग जाएंगे फिल्म देखने उन लोगों को फ्री में टिकट मिल रही है, मुझे भी टिकट शायद फ्री में मिलने वाली है, कल पता चलेगा। तो फ्री में जब मिल रही है तो फिर ठीक है, देखते क्या पिक्चर में है क्या, मेरा मन नहीं कर रहा है लेकिन रिव्यू दूंगा मैं आपको कि पिक्चर में है क्या। तो फ्री में टिकट मिल रही है तो जाएंगे और रिव्यू आपको दूंगा कि पिक्चर कैसी है। मुझे तो नहीं लगता कि पिक्चर कैसी भी हो, लोग तो देखने वाले है नहीं, सुशांत सिंह राजपूत के फैन तो स्पेशली नहीं देखने वाले। तो बाकी दूसरे जो लोग हैं उनके लिए रिव्यू देना ज़रूरी है, तो रिव्यू मैं ज़रूर दूंगा और दोनों पिक्चर के साथ टिकट मिलने वाले, तो फ्री में इंडस्ट्री वालों को फ्री में टिकट मिलते हैं। लेकिन अब ये टिकट 10 करोड़ के टिकट, जिसमें से 1 करोड़ आमिर खान देंगे तो 4 दिन के 4 करोड़ देंगे आमिर खान, मतलब उनके प्रोड्यूसर देंगे। आमिर खान क्यों देगा, पिक्चर फ्लॉप होने से भी आमिर खान को कोई फर्क नहीं पड़ता, मरेगा प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के मरेगा मतलब प्रोड्यूसर पैसे से मरेगा, और बाकी आमिर खान को क्या फर्क पड़ेगा, उसने अपनी फीस ले ली है, खत्म हो गई। हाँ पिक्चर बहुत बुरी तरह से डिजास्टर हुई तो आमिर खान के नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे, उनके लाइफ पे, करियर पे फर्क जरूर पड़ता है। तो बाद में अब ये जो टिकट भरे हुए रहेंगे, अगर लेकिन फिर भी लोग ज़्यादा आए तो फिर ये लोग बोलते चलो आप 10 करोड़ वाले टिकट है ना आप कम हो जाओ, बाकी लोगों को फिर मना कर देंगे आने के लिए। बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, मोबाइल अगर भीग गया तो एक ही मोबाइल है मेरे पास, सामने लाता हूँ ताकि इधर बारिश ना हो। तो ऐसा है, और फिर अब ये स्ट्रैटेजी बॉलीवुड की तरफ से अपनाई जा रही है, देखते हैं स्ट्रैटेजी कब तक काम आएगी। बारिश हो रही है, बिल्कुल बात नहीं करूँगा ज़्यादा, थैंक यू सो मच।
आपको रिव्यू मिल जाएगा। ये स्ट्रैटेजी आपको बताने के लिए मैंने किया कि बुक माई शो में ज़्यादा टिकट देख के आप भ्रम में ना आ जाओ कि पिक्चर चल रही है। थैंक यू सो मच, शेयर जरूर करें वीडियो।